राम राम दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और शुभचिंतक और बाबा की एक बहुत छोटी सी सेविका जो अध्यात्म से जुड़े हुए रहस्यों को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम मात्र हूं। दोस्तों, दुनिया में ईश्वरीय सत्ता को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो परिवेश है, हम भारतीय हैं और हम ईश्वर को मानने में विश्वास रखते हैं। ईश्वर का वास हर स्थान पर होता है, हर कण में उसका वास होता है। प्रत्येक मनुष्य को जरूर न जरूर देवी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, देवी सहायता प्राप्त होती हैं। हाँ, पर हमारी जो सहायता हमें प्राप्त होती हैं उसकी मात्रा में कम या ज़्यादा हो सकता है, पर हम तो आम मनुष्य हैं, हम कैसे जाने कि ईश्वर हमारे साथ है, हमें भी कुछ देवी सहायता प्राप्त हो रही हैं। हम कैसे इस बात को पहचाने? हम जिन परम पिता परमेश्वर को इतना मानते हैं, क्या वो हमारे साथ हैं, ये हम कैसे जाने? हम तो बहुत साधारण से मनुष्य हैं, हमारी सोच में यह सवाल बार बार उठता है कि क्या जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं या जो हम साधना कर रहे हैं वो सफल हुई या नहीं। हमारे हिंदू ग्रंथ कहते हैं कि भगवान सिर्फ उनकी ही मदद करते हैं जो दूसरों के दुख को समझते हैं, हर प्राणी में ईश्वर का वास समझते हैं। उन्हें ऐसा ही नज़र आता है कि हर प्राणी ईश्वर का ही स्वरूप है, जो कभी भी निगेटिव सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, कभी भी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। जो नियमित तौर पर भजन करते हैं, नियमित तौर पर पूजा करते हैं, वो मुझे प्रिय होते हैं। ऐसा स्वयं गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। अगर आप में भी ये सारे गुण हैं तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। अगर आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपके पास भी जो है वो देवी शक्तियाँ हैं। बस आपको अपने इन्हीं कार्यों को इसी प्रकार करते रहना है, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर, वो देवी शक्तियाँ आपको ऊपर से देख रही हैं। इसलिए सभी मनुष्यों में ईश्वर का वास समझिए, सभी से प्रेम करिए तो देवी शक्तियाँ आपको जरूर प्राप्त होंगी। दूसरा, विद्वान ज्ञानी कहते हैं कि यदि आपकी आँखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त अर्थात 3 से 5 के बीच में अचानक ही खुल जाएं, तो आप समझिए कि आपके साथ ईश्वर हैं। क्योंकि ये जो समय होता है जब ईश्वरी शक्तियाँ सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती हैं और ईश्वर अपने जो प्यारे भक्त होते हैं, अपने जो लाडले होते हैं, उन्हें ही जगाते हैं, सबको नहीं जगाते। ये जो अनुभव होता है ये कुछ एक लोगों को होता है, सबको नहीं होता। आप ही समझिए कि आपके मान लीजिए 2 बच्चे हैं, आप माँ हैं, आपके 2 बच्चे हैं और एक बच्चा आपका बहुत शांत है, बहुत सरल स्वभाव का है, और एक बच्चा है जो जिसको आप उठाएं और वो रोने लगे, चिल्लाने लगे, तो आप किसे उठाना पसंद करेंगे? जो आपका प्यारा है, जो आपका हृदय से जिसका जुड़ाव ज़्यादा है, आप उसी को जगाएंगे। इसी प्रकार से ईश्वर भी केवल उन्हीं को इस प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त में जगाते हैं जो उन्हें बहुत प्रिय होते हैं। तो यदि आपकी आँख 3 से 5 के बीच में अपने आप खुल जाती है, आपको कोई जगाता नहीं है, लेकिन आप एक झटके से उठ जाते हैं, तो आपके साथ देवी शक्तियाँ हैं, आप खुश हो जाइए। तीसरा, यदि आपको सपने में बार बार किसी देवी देवता के दर्शन होते हों, हर किसी को ऐसा नहीं होता है कि उन्हें सपने में देवी देवता दिखते हों, क्योंकि ये कलयुग है भैया, इसमें ईश्वर के जो दर्शन अगर आपको सपने में भी होते हैं तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। ईश्वर इस कलयुग में आपके सामने खड़े हो जाए, ना तो हमारे अंदर ऐसी योग्यता है और ना ही क्षमता है कि हम उनके तेज को बर्दाश्त कर सकें। तो आपके सपने में अगर ईश्वर बार बार आते हैं या आपको किसी धार्मिक स्थान के दर्शन बार बार होते हैं, तो आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि ईश्वर जो है इस कलयुग में इसी माध्यम से हमको संकेत देते हैं कि हाँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो अगर आपको भी इस तरीके से ईश्वर के दर्शन होते हैं, आप भगवान से सपने में बात करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप भगवान के समीप हैं, आप भगवान से बातें कर रहे हैं, तो आपके साथ भी देवी शक्तियाँ हैं, प्रसन्न हो जाइए। यदि आपके परिवार में आपके भाई बहन, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बेटे बेटी, सब लोग आपसे प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो आपके साथ क्या देवी शक्तियां नहीं हैं? क्योंकि इस
कलयुग में आपको अगर इस प्रकार का परिवार प्राप्त होता है कि आपकी आज्ञा का कोई पालन करे, आपके बच्चे आपकी बातों को सुने, तो वो भगवान की आपके ऊपर बहुत बड़ी दया है। अगर आपके कार्यों में बिना किसी रुकावट के आपके सारे कार्य संपूर्ण होते हैं, तो क्या ये ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण नहीं है? है, उसे हम समझते नहीं हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं इस पे हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ईश्वर आपके साथ है, तभी ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, वरना सबके साथ ऐसा नहीं होता है। एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि अगर आपको कोई भी कार्य जो है आपके साथ आप करने जा रहे हैं और उसके विषय में आपको पूर्वाभास होने लगे, आपको अंदाज़ा लगने लगे कि मैं ये कार्य करूं, ये ना करूं, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है और ये अच्छा है, इस चीज़ का भी आपको अगर एहसास होता है तो भी आपके ऊपर आपके ईश्वर का हाथ है। क्योंकि आपकी आत्मा जो होती है वो परमात्मा जो होते हैं आपकी आत्मा में बसते हैं, और आपकी आत्मा एक बार आपको गलत कार्य करने से रोकती ज़रूर है। मानना या ना मानना ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस चीज़ को माने या ना माने, लेकिन ईश्वर आपको ज़रूर एक बार टोकते हैं। तो अगर आप किसी भी कार्य को करने से पहले आपको इस प्रकार से अंदाज़ा लगता हो, आभास होता हो, तो भी आपके साथ ईश्वर जो है, इसलिए आपको खुश होना चाहिए कि आपके ऊपर एक देवी शक्ति का हाथ है। इसके अलावा जब आप पूजा पाठ करने बैठें और आपको ऐसा लगे कि किसी का आपको स्पर्श महसूस हो रहा है, कोई हवा का एक झोंका सा आपको छू जा रहा है और आपके शरीर में सिहरन सी पैदा हो जाए, आपके रोए रोए खड़े हो जाएं, आपको एक अलग तरीके का आनंद महसूस हो, तो भी आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है। तो आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये सबको महसूस नहीं होती हैं। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिन्हें इस प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। तो आपको अगर इस प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं तो आप जो हैं बहुत किस्मत वाले हैं। आपकी पूजा आपके ईश्वर तक पहुँच रही है, आपके बाबा आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं और उनका जो हाथ है आपके सिर पर है, तो आप बहुत किस्मत वाले हैं और आपके साथ देवी शक्तियां हैं। इसके अलावा आप जो ईश्वर के समीप हैं ये भी आपके ऊपर देवी शक्तियों का हाथ होने की एक बहुत बड़ी पहचान है। क्योंकि ईश्वर सबको पूजा पाठ करने में नहीं लगाता है। अगर आप कुछ समय अपने भगवान की पूजा कर पाते हैं, उन्हें याद कर पाते हैं, उनके साथ आप समय बिता पाते हैं, तो भी आप बहुत किस्मत वाले हैं। इसी के साथ आज का मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूं और भगवान से प्रार्थना करती हूं कि भगवान आपके ऊपर अपनी दया दृष्टि ऐसे ही बनाए रखे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।